नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रह लक्ष्मी में। वास्तु के अनुसार ये 10 मूर्तियाँ चमका देती है किस्मत, खोल देती है सफलता के द्वार। घर में कई तरह की प्रतिमाएं होती है, जिसमें से कुछ वास्तु अनुसार होती है और कुछ नहीं। वास्तु के अनुसार घर में रखी ये 10 तरह की मूर्तियाँ तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और सफलता के द्वार खुल जाएंगे। आइए जानते हैं। हाथी की मूर्ति। घर में आप हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। यह मूर्ति ठोस चांदी या पीतल की होनी चाहिए। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। शयन कक्ष में पीतल या पीतल की प्रतिमा रखने से पति पत्नी के बीच मतभेद खत्म होते हैं और चांदी का हाथी रखने से राहु संबंधी सभी दोष दूर होते हैं। नंबर 2, घोड़े की मूर्ति। घोड़े की मूर्ति रखने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की होती है। दौड़ते हुए घोड़े गति, सफलता और ताकत के प्रतीक होते हैं। इससे जीवन में तरक्की मिलती है। घोड़े की मूर्ति रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो तो घोड़े की मूर्ति रखें। इसे अपने संस्थान में लगाएं तो सफलता मिलेगी। कहते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा और सोच का निर्माण करता है। नंबर 3 है हंस की मूर्ति। घर में अतिथि कक्ष में हंस के जोड़े की मूर्ति स्थापित करें, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। 2 हंसों के जगह आप 2 बतख या 2 सारस के जोड़े की मूर्ति भी लगा सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बना रहता है। नंबर 4, कछुआ। घर में कछुआ रखने से उन्नति के साथ ही धन समृद्धि का योग बनता है। इसे रखने से आयु भी लंबी होने की मान्यता है। पूर्व और उत्तर दिशा कछुए की स्थापना हेतु सर्वोत्तम मानी गई है। ड्राइंग रूम में कछुआ रख सकते हैं। किसी पात्र में जल भरकर कछुआ धातु का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं। नंबर 5, मछली की मूर्ति। कई लोग घर में एक्वेरियम में मछली पालते हैं, परंतु इससे ज़्यादा बेहतर होता है मछली की पीतल या चांदी की मूर्ति बनवाकर घर में रखना। वास्तु के अनुसार यह मूर्ति घर में खुशहाली और शांति का कायम करके उन्नति के रास्ते खोलती है। मछली अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक है। इस मूर्ति को आप अपने घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही रख सकते हैं। नंबर 6, गाय बछड़े की मूर्ति। बहुत से घरों में बछड़े को दूध पिला रही कामधेनु गाय की पीतल की मूर्ति होती है। गाय की मूर्ति रखने से संतान प्राप्ति के साथ ही मानसिक शांति मिलती है। इसका महत्व बताया गया है। पढ़ाई में एकाग्रता के लिए भी इस मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं। नंबर 7, ऊंट की मूर्ति। ऊंट की मूर्ति भी घर में रखने का प्रचलन है। ऊंटों के जोड़ों की मूर्ति को ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता है। ऊंट कठिन परिश्रम का प्रतीक है। करियर में उन्नति हेतु या व्यावसायिक प्रतिष्ठा में ऊंटों की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। यह मन की स्थिर रखकर सफलता प्रदान करता है। नंबर 8, गणेश मूर्ति। घर अथवा दुकान, कार्यालय में वास्तु दोष उत्पन्न होने की स्थिति में गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखें। श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करते समय विघ्नहर्ता की मूर्ति अथवा चित्र में उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर घूमी हुई हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में बैठे हुए गणेश जी तथा कार्यस्थल पर रखे गणपति जी की मूर्ति लगाना चाहिए, किंतु यह ध्यान रखें कि खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन को स्पर्श करते हुए हो। हनुमान जी की मूर्ति।
हनुमान जी की मूर्ति रखने का खास महत्व है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 10, श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति। जिस घर में श्री कृष्ण और राधा जी की संयुक्त मूर्ति उचित स्थान पर रखी होती है उस घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम एवं सहयोग बना रहता है। नंबर 11, तोते की मूर्ति। वास्तु के अनुसार तोते की मूर्ति या तस्वीर को अध्ययन के कक्ष में रखना चाहिए या जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां रखना चाहिए। तोता पालना नहीं चाहिए बल्कि उसी तस्वीर या प्रतिमा घर में रखने से फ़ायदा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।